ऑफिसर एस्पायरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। तो नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल लाइफ की, नर्सिंग ऑफिसर की रेजिडेंशियल लाइफ कैसी होती है और उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जो पीछे आप देख रहे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर क्वार्टर है, जो कि बीच के हैं। ये नर्सिंग ऑफिसर क्वार्टर है, बीच के हैं, फुल सिक्योरिटी के साथ में है और पार्क है, पार्किंग है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो भी नर्सिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से एस्पायरेंट है तो उनके लिए बेस्ट मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनने का, एम्स में। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मौसम रहता है और ड्यूटी करो और शांति से एकदम मस्त लाइफ रहती है। जो भी एस्पायरेंट अभी मुझे देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपसे नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट है तो अगर कोई रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई इशू हो या कोई बात हो या कुछ पूछना हो तो क्वार्टर्स जो होते हैं वो 2 BHK होते हैं। HR अपने को नहीं मिलता है, जो एक सिटी में होते हैं उनका HR 12,000 होता है, जो 2,000 होता है, जो जेड सिटी में होते हैं उनका 4,500 होता है। ये क्वार्टर जो है 2 BHK होते हैं। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा 24 घंटे और खाने के लिए मिजाज और हमारे एम्स क्वार्टर्स कैसे होते हैं। थैंक यू गाइस।